Good morning, student. Today in maths, we learn a new topic, subtraction of numbers without regrouping. Subtraction हम already पढ़ चुके हैं class 1 में, अभी हम पढ़ेंगे again in 2-digit number and 3-digit number without regrouping, मतलब simple subtraction हम पढ़ेंगे. So let's start with our subtraction. Subtraction of 2-digit number without regrouping. 2-digit number का हम पहले start करेंगे. So let us take an example, subtract 31 from 84. 31 को हमें subtract करना है 84 से. Subtraction का हमेशा first rule होता है, always write the bigger number at the top. जो subtraction होता है, जो दो digit का होता है, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा number subtraction में number bigger है. तो you have to write the bigger number on the top. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 84 एंड 31. सो 84 और 31 में बिगर कौन है? 84. सो 84 माइनस 31, मतलब 84 से हमें 31 माइनस करना है. सो हियर आई हैव रिटन बिगर नंबर ऑन द टॉप 84, देन आई हैव रिटन द स्मॉलर नंबर उसके नीचे. तो स्टेप 1, टू सब्ट्रैक्ट 2-डिजिट नंबर वी फर्स्ट अरेंज देम अंडर प्रॉपर कॉलम. सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमेशा पहला रूल होता है नंबर को अपने प्लेस के हिसाब से कॉलम में लिखना है. तो ये 2-डिजिट नंबर है, तो टेंस एंड वंस, सो राइट डाउन द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस 84 एंड 31. सो एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे कहा आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज राइट द बिगर नंबर ऑन द टॉप. 84 बड़ा है इसलिए टॉप मतलब ऊपर रहेगा. देन 31 स्मॉल है तो उसके नीचे. स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट द वंस. सो रूल्स हमेशा चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऑलवेज स्टार्ट विथ वंस, लास्ट प्लेस. तो वंस के प्लेस में कौन है? 4 एंड 1. तो टॉप से बॉटम को ही हमें, ऊपर से नीचे को ही माइनस करना है, नीचे से ऊपर मत करना, गलत हो जाएगा. तो 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 व्हाट विल द आंसर? आंसर विल बी 3. सो राइट डाउन 3 इन द वन प्लेस. Then step 3, now subtract the tens. So once we have already completed, then we'll move to the tens place. So tens place pe kitna hai top mein? 8 and 3. So 8 minus 3, upar se hame top se button ko minus karna hai. So what do you have to do? 8 minus 3. So what will be the answer? 5. So write down answer in the tens place. So 84 minus 31, answer will be 53. Let us give some more examples so that you can understand better. So I have taken 23 and 12. सो बिगर नंबर कौन है? 23. रूल है कि पहले बिगर नंबर लिखना है. तो 23 23, देन हैव रिटन 1 2. सो फर्स्ट राइट डाउन हैव मैंने लिख दिया है. देखो आकलन टू द प्लेस वैल्यू. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वंस प्लेस. तो 3 माइनस 2, 3 से 2 गया तो आंसर विल बी 1. वंस का घर हो गया. देन आई विल मूव टू टेंस प्लेस. तो 2 माइनस 1, 2 सब्ट्रैक्शन 1, तो 2 सब्ट्रैक्शन 1, तो 2 से 1 गया तो आंसर विल बी 1. सेकेंड एग्जाम्पल 61 एंड 41. तो आई हैव रिटन देम अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. वंस के प्लेस में 1 माइनस 1. सब्ट्रैक्शन में एक रूल से हमेशा आप याद रखिए, जब भी हम सेम नंबर को माइनस करते हैं, जैसे 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, सेम डिजिट में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है. जैसे 4 माइनस 4, सेम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है. देन वंस के प्लेस में 0 आ गया. देन विल मूव टू द टेंस प्लेस. तो टेंस के प्लेस पे क्या है? 6 एंड 4. तो 6 माइनस 4, 6 से 4 गया तो आंसर विल बी 2. सिमिलरली आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, आपको बाकी सबको भी कंप्लीट करना पड़ेगा. देन विल मूव टू सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. विदाउट रीग्रुपिंग विल गो टू द 3-डिजिट. 2-डिजिट वी हैव कंप्लीट, देन विल मूव टू द 3-डिजिट. So let us take an example, subtract 321 from 477. 321 को हमें माइनस करना है 477. As per the rule, bigger number को पहले लिखना है. तो bigger number कौन है? 477. तो मैंने यहाँ पे लिखा है step 1, put the numbers in correct column. Numbers को मैंने कलम में पुट कर दिया. 100 10 and 1, 3-डिजिट नंबर है. तो 477 माइनस 321, मैंने उनको प्लेस के वैल्यू के हिसाब से कलम में लिख लिया. और मैंने देखो यहाँ पे बिगर नंबर को ही टॉप पे लिखा है.
Step 2. Subtract the ones. As per the rule, start with the ones. So, ones ke place mein 7 minus 1. So, 7 se 1 gaya. So, answer will be 6. I have written over here. Answer will be 6. So, 7 minus 1 will be 6. Step 3. Subtract the tens. Once complete, then we'll move to our tens place. So, 7 minus 2. 7 se 2 gaya. 7 se 2 minus karenge. So, answer will be 5. So, write down 5 in the tens place. Then last step, subtract the 100 place. Once done, tens done, then we'll move to the 100 place. So 100 place pe kya hai top pe? 4, 4 minus 3. 4 minus 3, answer will be 1. So write down 1 in the 100 place. So 477 minus 321, so answer will be 156. Subtraction mein, as I told you, hame sahi ki cheez yaad rakhna, write down the bigger number on the top. And start with the top. नीचे से ऊपर को माइनस नहीं करना है, हमेशा अपर नंबर को ही बटन नंबर से नीचे वाले नंबर को ही अपर नंबर से ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को हमेशा माइनस करना है. एग्जाम्पल मैं आपको और एक दे रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा. आई हैव रिटन 469 346. 469 बिगर नंबर है, मैंने ऊपर लिखा है, देन 349. तो स्टार्ट विद द टेंस प्लेस 9 माइनस 6. तो 9 माइनस 6 आंसर विल बी 9 से 3 गया 6 सॉरी 9 से 6 गया तो आंसर विल बी 3. देन टेंस प्लेस 6 माइनस 4. तो 6 माइनस 4 आंसर विल बी 2. तो राइट डाउन 2 इन द टेंस प्लेस. वी हैव डन वंस, वी हैव डन टेंस, देन लास्ट प्लेस फर्स्ट प्लेस विल गो टू 100. तो 100 में क्या है? 4 माइनस 3. तो अपर से नीचे ही हमें माइनस करना है. 4 माइनस 3 आंसर विल बी 123. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. 100 टेंस वंस, सो आई हैव रिटन 340 एंड 120. बिगर नंबर मैंने ऊपर लिखा है 340 एंड स्मॉलर नंबर नीचे लिखा है. सो व्हाट फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट विद दैट वंस. तो वंस के प्लेस में 0 0 माइनस 0. तो 0 से 0 गया तो आंसर विल बी 0. देन टेंस प्लेस 4 माइनस 2. तो 4, 4 से 2 गया तो आंसर विल बी 2. राइट डाउन 2 इन द टेंस प्लेस. देन 100, 100, 100 के प्लेस पे टॉप पे क्या है? 3, 3 माइनस 1. तो 3 माइनस 1 आंसर विल बी 2. सो व्हाट विल बी द आंसर? 340 माइनस 120 इज आंसर इज इक्वल टू 220. सिमिलरली सेम प्रोसेस करके, बहुत सिंपल है, जैसे हमने क्लास 1 में किया था, सेम प्रोसेस फॉलो करके बाकी सब सम्स को भी आपको कंप्लीट करना है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो डू प्रैक्टिस. थैंक यू.